उत्तराखंड की राजधानी जिला देहरादून के अंतर्गत विकासखंड कालची क्षेत्र के नागथाक में क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक की गई, जिसमें मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद नागथाक पेयजल पंपिंग योजना को लेकर आज एक सहमति पत्र बनाने को लेकर वार्ता हुई, जो कि पेयजल निगम पुरोड़ी चक्राता को देना है। वर्षों से पानी की जो गंभीर समस्या बनी हुई है, उससे क्षेत्रवासियों को निजात मिल सके। बताते चले, यहाँ पर अपने निजी वाहनों से पानी की सप्लाई की जाती है, प्रशासन की तरफ से भी विशेष प्रयास नहीं किए जाते, इसीलिए पानी की समस्या भी पलायन का प्रमुख कारण है। मात्र एक डेढ़ घंटा पानी की सप्लाई होती है, जिसमें 30-40 लीटर प्रत्येक परिवार को पानी मिल पाता है। सर, खबर 7C में आपका स्वागत है। आप ये बताएं कि अभी यहाँ पर पानी की क्या स्थिति है नागथात के अंदर? यहाँ पे स्थिति है कि शाम को लगभग एक घंटे के आसपास पानी आता है, वो भी लगभग 10-20 लीटर के आसपास मिलता है एक परिवार को। बाकी सब अपने गाड़ियों से या कहीं खच्चर से दूर दूर से मुंदान से या इधर बिसोई से जहाँ जहाँ पानी के स्रोत हैं वहाँ से ढोते हैं अपने आप। तो इसमें स्थानीय जो प्रशासन है, क्या उनकी तरफ से पानी की व्यवस्था नहीं की गई है? एक महीने के लिए शासन की तरफ से उसका बताएं। जो आपके यहाँ नागथात झुलका डांडा में पेयजल की समस्या है, जिससे पूरे क्षेत्र यहाँ लगभग कई ग्राम पंचायतें और कई खतों के क्षेत्रों के लोगों की यहाँ भूमि भी है, मकान भी हैं, इसमें जो दिक्कत आ रही है, और आज आप लोगों ने ये पेयजल निगम के अधिशासी अभियंता को सहमति पत्र लिखा है, इस संबंध में आपकी क्या डिमांड है सरकार से और क्या यहाँ पानी की आवश्यकता है? देखो जी, हमारी तो आवश्यकता ये है कि हमारे पूरे क्षेत्र में पानी की इतनी बड़ी किल्लत है कि अभी मार्च के बाद पानी पीने के लिए कम से कम 7-8 किलोमीटर दूर से लोग गाड़ियों से, खच्चर से, घोड़े से, हर चीज़ से पानी ढोते हैं, और ये पूरे क्षेत्र की कम से कम ये 33-34 ग्राम सभाएँ आती है इसमें, और इसमें जो है बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा मतलब बहुत दिक्कतें होती है। ये अभी हमारे बीच में एक साल हो गया है, पिछले 2017-18 में माननीय मुख्यमंत्री जी की भी घोषणा है इसमें, पहले जो हमारे पेयजल मंत्री थे कंडारी जी की, उनकी भी है घोषणा है, लेकिन अब लगता है हमको कि शायद इसमें कुछ अमल होने वाला है। अभी जो हमसे मांगा गया है ये जल निगम